My subscriber family is very happy. Their life is full of positivity, full of happiness. क्या आपको repetitive numbers दिखते हैं? राह चलते कोई white feather मिलता है? या चाबी मिली? आज सब indications का होगा खुलासा. Welcome and welcome back to your channel, Love and Life with Mala. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 खुश और मजे में होंगे. मैं भी यहाँ फिट एंड फाइन. आज मुझे आप लोगों को मेरे कुछ नई चीजें आई हैं, उनसे मैं मिलाऊंगी. वन वर्ड आई वुड से, मेरे घर देवदूत आए हैं. पहले जो कुछ क्लोथिंग स्टफ्स आई हैं, बेइंतहा पसंद दो साड़ियां आई हैं, वो दिखा दूं. उसके बाद आप लोगों को देवदूत एंजल्स से भी मिलाऊंगी और एंजल्स से जुड़ी रहेंगी कुछ बातें जो कि हैं आपके बहुत काम की, जो कि आप लोग नोटिस करते होंगे बट यू नो यू डोंट नो. क्योंकि मुझे बहुत सारी मैसेजेस मिलती हैं कि हम ये देख रहे हैं, हम वो साइंस देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, वो ये. तो मैंने सोचा लेट मी यू नो कंपाइल ऑल दीज क्वेरीज इन दिस पर्टिकुलर व्लॉग, सो दैट आप लोगों को बाद में अगर किसी को भी दिखाना हो कि ये चीज तू देख ले, ये चीज का यू नो सोल्यूशन इज दिस, सो यू कैन चेक आउट दिस व्लॉग. शिवरात्रि इज गोइंग टू कम एंड माई एनिवर्सरी इज गोइंग टू कम, तो उसके हवाले मैं सोच रही थी यार कुछ एक ऐसा हो कि मैंने कुछ साड़ियां बुक की हुई हैं और वो मम्मा के पास है, कुछ एक ऐसा हो कि वो चीजें आ जाएं. और मेरी तो हर बात जाकर आप लोग अब हंसोगे, माला दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो जाती है. दिस इज अ मसलिन साड़ी. तो अब आप लोग बोलोगे माला फेयर वाइट या ऑफ वाइट, मैं क्या करूं, मुझे ये कलर बेइंतहा पसंद है. एंड इसमें ये जो वीविंग गई है, दिस इज ऑल वीव्ड विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी. इसके साथ ये वाली ब्लाउज है. सो दिस इज अ पेयर जो मैं या तो शिवरात्रि या फिर अपने एनिवर्सरी में पहनने का सोच रही हूँ. अनदर वन, ये देखिए, ये ऐसा इसमें एम्ब्रॉयडर्ड जो टेक्सचर है वो ये है. विद दिस साड़ी हियर इज द ब्लाउज, दिस इज अ फुल स्लीव्स पैटर्न का किया है. दिस ब्लाउज इज विद दिस साड़ी एंड यू नो ये मैं लगता है एनिवर्सरी में पहनूंगी. अंधा क्या मांगे दो आंख, ये दो आंखें मुझे मिल गई. विच वन डिड यू लाइक, दिस वाइट एंड बेबी पिंक फ्लावर्स, गोल्डन एंड ऑफ वाइट वन? जो पसंद हो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है. ये एक गामछा पैटर्न का फ्यूजन मैक्सी ड्रेस है, ये भी आया है. ये तो अभी स्प्रिंग आएगी तो मैं जरूर पहनूंगी. ये एक कफ्तान है विद दिस बर्ड मोटिफ और इसमें छोटे छोटे से मिरर है. मुझे इंडिगो बहुत पसंद है. ये दोनों आई हैं, बस यही आया है क्लोथिंग सेक्शन मेरा. व्हाट आई वांट टू शो यू इज नाउ द एंजल्स व्हिच हैव अराइव्ड, द क्रिस्टल्स व्हिच हैव अराइव्ड. दिस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, दिस इज मेनली फॉर लव. ओके, क्रिस्टल्स को लेके डिफरेंट व्लॉग में बताऊंगी, तो मी वियर इट. और जो मैं पहने रहती हूँ आप बोलते हो दैट इज स्मोकी क्वार्ट्ज एंड मोर विच आई वियर, यू ऑफन आस्क मी, दिस इज अ एंजल हीलर्स ब्रेसलेट. ये जब मैं हीलिंग वगैरह देती हूँ, डिस्टेंस हीलिंग और यहाँ पे भी, तब मैं ये पहनती हूँ. दिस एक मैंने लिया है, ये दिस इज सिट्रीन, इसमें ब्लैक हकीक है, टर्मलाइन है. दिस इज ऑल्सो abundance crystal. देखिए, और ऐसे कुछ टिप्स मैं अगले किसी अपकमिंग व्लॉग में बताऊंगी, अदरवाइज ना ये सब मिक्स हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है, फिर पता है आप लोगों के बहुत क्वेरीज आ जाते हैं, तो ये मैं ना नेक्स्ट में बताऊंगी. एंड दिस पोटली इज माई जान पोटली, दिस इज द सेवन चक्रा क्रिस्टल किट. सेवन चक्रास का जो मेडिटेशन में मैं बैठती हूँ, तब अगर मैं इसको लेकर करूँ तो बहुत बेनिफिशियल होगा. सो इसमें है ग्रीन एवेंचराइन, देन एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, टाइगर्स आई, ये सब मैं लेकर अलग व्लॉग बनाऊंगी, डोंट वरी. एंड एक उसने ये गिफ्ट भेजा है जिससे मैंने लिया है, इविल आई ब्रेसलेट. ठीक, सो ये रही मेरी इस बार की वैलेंटाइन्स डे के बाद जो गिफ्ट आप बोल सकते हो. तो कौन सी वाली ब्रेसलेट पसंद है या आपको कौन सा क्रिस्टल अच्छा लगता है, कौन सा क्रिस्टल यू नो आपका अटेंशन बार बार ग्रैब करता है, मुझे जरूर बताइएगा. एंड आप लोग मुझे इंस्टा में इनबॉक्स भी कर सकते हैं. मेरे साथ बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं इंस्टा में, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ये रहा मेरा इंस्टा का हैंडल, आप लोग मुझे वहां फॉलो करके आपकी जो भी क्वेरीज या आपका यू नो कोई क्रिस्टल आपका बहुत आपका अटेंशन ग्रैब कर रहा है, क्वेरीज रहती है, आप लोग मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं.
पिछले महीने जनवरी में ही मेरी एंजल थेरेपी हुई है कोर्स, और सच में मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी जो है एंजल्स देवदूत मेरे घर में आएंगे। सबसे पहले दिस इज आर्क एंजल माइकल, ब्लू एवेंचुराइन क्रिस्टल। दिस इज आर्क एंजल राफेल, क्रिस्टल इज ग्रीन एवेंचुराइन। नो, आई एम होल्डिंग देम एंड आई एम गेटिंग दैट वाइब्स। आर्क एंजल गैब्रियल, दिस इज एन ओपल। सो आर्क एंजल्स आर बेसिकली द एंजल्स विच आर ऑन हायर रैंक, ओके। इनको एकदम गॉड है, गॉड के बाद जो दूत होते हैं, दीज आर द आर्क एंजल्स। आर्क एंजल माइकल जो है, ये जो है सबसे मेन जो लीडिंग आर्क एंजल जो होते हैं, जो एकदम गॉड के बाद जो जिनका टॉप मोस्ट जो स्थान आता है, दैट इज आर्क एंजल माइकल। ही मेनली डील्स विद सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, और इनका कलर जो है मेनली जो इनका स्वॉर्ड होता है दैट इज ब्लू एंड द कलर इज यू नो पर्पलिश। एंजल राफेल डील्स मेनली विद हीलिंग, सो इनका रहता है हीलिंग ग्रीन लाइट में, यू नो वी आर रैप्ड, वी इनवोक आर्कएंजल राफेल फॉर सोल हीलिंग, पेन हीलिंग, एनी सॉर्ट ऑफ हीलिंग। डिवाइन ग्रीन लाइट यू विल बी एबल टू फील। एंड मैं आप लोगों को अपकमिंग व्लॉग्स में भी बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग भी एंजल्स को अपनी सहायता के लिए बुला सकते हैं। एंड यू नो दीज एंजल्स आर अराउंड अस, सिर्फ आप लोगों को इन लोगों को बुलाना पड़ता है, एंड देन दे जस्ट कम फॉर योर हेल्प। आर्क एंजल गैब्रियल इज नोन फॉर कम्युनिकेशन। इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद समवन एंड यू आर नर्वस, कुछ हो नहीं रहा है, तब आप आर्क एंजल गैब्रियल की मदद ले सकते हैं। आज के इस ब्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, दैट इज आप लोग किस तरीके से जानेंगे कि एंजल्स वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, दे वॉन्ट टू यू नो गिव यू सिग्नल्स, वो देते हैं आपको सिग्नल्स, तो ये आम हम लोग कैसे जानेंगे, और हम लोग वो चीजें आर एक्सपीरियंसिंग बट वी डोंट नो। तो दीज आर द साइंस। सबसे पहला है, आप जो मेरे को बहुत ज्यादा हुआ है, आप लोगों को फेदर्स, स्पेशली व्हाइट फेदर्स आप लोगों को मिलेंगे, स्पेशली उन जगह जहां पे फेदर्स की कोई आने की बात ही नहीं है, बट फेदर्स आपको दिखेंगे एंड इट इज व्हाइट कलर, तब आप बिल्कुल से जान जाइएगा कि एंजल्स आर अराउंड यू। पता है मेरे को गूज बम्स आ गए। इट वॉज इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, आई वॉज क्लीनिंग माई साइड टेबल, वहां पे मेरे साई बाबा, गणपति ये सब रहते हैं, मम्मी पापा की फोटो रहती है, वहां पे इतना बड़ा व्हाइट फेदर था। कैन यू बिलीव, कहां से आया, क्या आया, मुझे नहीं मालूम। साई बाबा के फोटो के पास और गणपति के पीछे देयर वाज अ व्हाइट फेदर, इतना बड़ा। सेकंड इज यू विल हैव अ सडन चिल, लाइक आप बैठे हुए हो, एकदम से आपको ना एकदम से आपको बहुत ठंड सी लगेगी, या एकदम से आप बैठे हो आपको गूज बम्स आ रहे हैं। ठंड का कोई मतलब भी नहीं, आप एकदम एक कोजी जगह में बैठे हो, बट सडन काइंड ऑफ यू नो चिल यू फील, दैट इज ऑल्सो अन इंडिकेशन दैट एंजल्स आर अराउंड यू। थर्ड, यू विल सी द रिपीटेटिव नंबर्स, जो कि अक्सर मुझे क्वेरीज आती हैं, माला दी या माला वी आर सींग 1-1, देन 1-1-1-1, 3-3-3-3, 3-3-3-3, मुझे आज एक करेंसी नोट मिला माला जिसपे 5-5-5 है। सो यू विल बी सींग रिपीटेटिव नंबर्स, इफ इट इज सो देन 101% द एंजल्स आर अराउंड यू एंड दे आर गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, डिवाइन इंडिकेशंस। देन द नेक्स्ट साइन विच इज वेरी ऑब्वियस इज सेंट, डिवाइन यू नो फ्लावर्स सेंट, और कुछ भी एक अच्छी खुशबू आपको अचानक से मिले जहां पे कोई मिलने की बात ही नहीं है। आप मान लीजिए किचन में खाना बना रहे हो और आपको एक बहुत भीनी सी खुशबू यू नो आपको आ रही है, एंजल्स आर अराउंड यू। आपके मन में ना कोई क्वेश्चन है, कोई कश्मकश चल रही है और आपको उसका उत्तर चाहिए, और सडनली यू नो आप कोई एक किताब या आप कुछ एक नेट में पढ़ रहे हो, आप कुछ एक टीवी देख रहे हो, वहां पे आपको वो सेंटेंस दिख जाता है। जैसे कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ एक चल रहा है बहुत आपके मन में, आपको उसका उत्तर चाहिए, आप एक किताब खोल के जस्ट पढ़ रहे हो और वहीं पे आ जाता है डोंट वरी करके एक सेंटेंस, या कोई भी सेंटेंस जो कि आप रिलेट कर सक रहे हो, अरे यही तो मैं ढूंढ रही थी, या यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही सवाल तो था मेरे मन में। सो इज इन दिस फॉर्म ऑल्सो एंजल्स गिव्स यू साइंस। फिर साइन बोर्ड्स, जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपको उसका उत्तर चाहिए कि यार कैसे करके क्या हो, तो साइन बोर्ड्स भी आते हैं, स्टॉप
स्टॉप का साइन बोर्ड देखा, मतलब स्टॉप मतलब आपको रिलेट करना है, यू नो स्टॉप मतलब यू नो आई शुड स्टॉप दिस वरी नाउ. एक और साइन जो मेरे साथ बहुत होता था, फ्लैश ऑफ लाइट्स. जैसे आप एकदम मतलब एकदम आप बैठे हो, जस्ट फील अ फ्लैश ऑफ लाइट, जैसे एक पर्पल लाइट गई, एक शिमरी सा गया, एक कुछ एक आप लाइट अनुभव करते हो, दैट इज ऑल्सो अ साइन दैट एंजल्स आर अराउंड यू. टू मोर साइंस दैट यू फाइंड अ कॉइन. राह चलते अगर कॉइन मिलता है, समझिए एंजल्स आर अराउंड यू. आपको राह चलते अगर मिलता है की, यस चाबी का मिलना इज अ वेरी गुड साइन. आई होप आप लोग अब इन जो साइन, ये जो साइंस मैंने बताई हैं, इनसे आप रिलेट कर पाओगे. एंड ऑलवेज थैंक यूनिवर्स व्हेन एवर यू फाइंड अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. ये सब साइंस है, तो ऑलवेज डू थैंक यूनिवर्स एंड द एंजल्स. तीन चार दिन पहले ही यू नो आई जस्ट सॉ सब्सक्राइबर्स में इट वॉज लाइक 4444. सो आई सेड आई जस्ट सेड ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स. तो रिपीटेटिव नंबर्स, कोई भी आप बिल लेते हैं जरूर चेक करिएगा. तो किसी को करेंसी नोट पे मिलता है, किसी को कहीं दिख जाता है, किसी को वेटिंग नंबर, इवन पिज्जा सबवे वगैरह जॉइंट्स में अगर वो ऑर्डर नंबर आता है, उसमें भी कभी कभी जो रिपीटेटिव नंबर्स आ जाते हैं. तो रिपीटेटिव नंबर्स लेकर भी मैं ब्लॉग करूंगी. आज मुझे आप लोगों को ये चीज दिखानी थी, देन एंजल्स मेरे आर्क एंजल्स से मिलवाने थे, क्रिस्टल्स दिखाना था. गुड वाइब्स वाली जो व्लॉग है आप लोगों को अच्छी लगी होगी. आज के वीडियो में दे दीजिएगा बहुत 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 दिल खोल के लाइक. यस इस व्लॉग को जरूर से शेयर करिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प हो. और जो व्यूअर्स आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं, करिए सब्सक्राइब और आ जाइए इस ब्लेस्ड फैमिली में. लेती हूँ विदा, मिलूंगी अगले फिर से इंटरेस्टिंग व्लॉग में. तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा. तो जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में. चल देन, टाटा बाय 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 बाय. लव एंड लाइट विद माला. सो अगेन एंडिंग टुडेज व्लॉग विद दिस इंफॉर्मेशन दैट माई सब्सक्राइबर फैमिली इज वेरी हैप्पी. दे आर getting what they want, their life is full of positivity, their life is full of happiness. He's sending loads and lots of healings, love, blessings.